डेट आने के बाद सबसे पहला प्रश्न ये उठेगा मन में कि अब पीटी की तैयारी रिजल्ट के बाद करें या रिजल्ट से पहले करना शुरू करते हैं। अगर आप इस बात से सहमत हो तो कमेंट करके बताइएगा कि सर हाँ मेरे मन में ये प्रश्न उठा है बिल्कुल, और लाजमी है। अगर आपके मन में ये प्रश्न नहीं उठता है तो आप अभी अपनी पढ़ाई के लिए और पीटी के लिए सीरियस नहीं है। तो जी हाँ, आपको अगर ये जानना है कि कब से करनी है पीटी की तैयारी तो वीडियो को पूरा देखें, आप इससे रिलेट कर पाएंगे। मैं अनुराग दीक्षित आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ पाठशाला रेलवे एग्जाम में, और उम्मीद है मेरी आवाज़ आप सभी तक सही ढंग से पहुँच रही होगी। देखिए, जैसा कि कल आपको एक सर्कुलर नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी करके ये बताया गया था कि जो रिजल्ट है वो 24 दिसंबर 2022 तक या उससे पहले किसी भी डेट में आपके पास आ जाएगा। तो अब बड़ा स्वाभाविक सा प्रश्न ये आता है मन में कि पीटी की तैयारी के लिए सर क्या करना चाहिए। कुछ बच्चे इस पशोपेश में होंगे कि पीटी की तैयारी कब से करें, 24 दिसंबर के बाद से करें जब रिजल्ट आ जाए, या उससे पहले करना शुरू कर देंगे, क्योंकि कई बच्चों के साथ ऐसा होगा कि वो डिफरेंट डिफरेंट जोन से उन्होंने फॉर्म भरा होगा और कुछ नंबर सीबीटी में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में उनके आए होंगे। तो कहीं ना कहीं एक कश्मकश की स्थिति, एक देखा जाए तो संदेह की स्थिति बनेगी कि इतने नंबर आ रहे हैं तो इतने नंबर में मेरा सिलेक्शन पीटी के लिए होगा या नहीं होगा, मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो बिल्कुल कश्मकश सही है, आपका संदेह भी सही है कि करनी या नहीं करनी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर मैं एस्पिरेंट होता और मेरे साथ यही स्थिति होती कि रिजल्ट के बाद या रिजल्ट से पहले में मुझे अगर चुनना होता तो मैं ये चुनता कि मैं रिजल्ट से पहले ही पीटी की तैयारी करने लगता। अब जिन बच्चों को ये कन्फर्म है कि वो क्वालिफाइड नहीं होंगे, उनके नंबर एक निश्चित सोचने वाले प्रतिशत से भी कम हैं, तो मैं उनके लिए नहीं, लेकिन जो बिल्कुल ऐसी स्थिति में है, ऐसी दहलीज में है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, उनके लिए मैं कहूँगा कि आप पीटी की तैयारी पहले से ही करें। और जो नंबर से एक निश्चित परसेंट से जो सोच का परसेंट है, लोगों ने कट ऑफ का परसेंट बता रखा है, हमने बता रखा है, उससे अगर ऊपर है तो आप 101% पहले से ही करिए। अच्छा, संदेह वाले बच्चों को मैं पहले से तैयारी करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि पीटी की तैयारी में आपको रनिंग करनी है, वेट उठाना है और जो चीज़ें हैं उसका जो लिंक है वो आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। इस पर भी मैंने एक वीडियो कर रखा है कि आपको पीटी में क्या क्या करना है और उसके बाद जो मेडिकल होगा उस मेडिकल में क्या क्या चीज़ें आपको फेस करनी होंगी। अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं तो वहाँ देख लीजिएगा। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि आप पहले से पीटी की तैयारी इसलिए कर सकते हैं कि ये आपकी शारीरिक स्वस्थता और मानसिक तनाव को दूर करेगा। देखिए, किसी भी तरीके की फिजिकल एक्सरसाइज आपके लिए बेनिफिशियल होती ही होती है, फायदेमंद होती है। तो आप अगर पीटी की तैयारी करते हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि पीटी की तैयारी आप अपने जीवन भर सोच समझ के शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, जीवन भर करते रहिए। कुछ वेट उठाना, कुछ रनिंग करना, आप फीमेल कैंडिडेट हो, मेल कैंडिडेट हो, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिजिकल एक्सरसाइज इज मस्ट फॉर एवरीवन, बहुत ज़्यादा जरूरी। हम लोगों के इस भागदौड़ बड़े जीवन में हम लोगों का फिजिकल वर्कआउट शून्य हो जाता है, जिसके कारण इस तैयारी में हम लोगों को तकलीफें आती हैं। जैसे बच्चा आज कह रहा था लाइव क्लास में कि सर रनिंग नहीं हो पा रही, उसके रॉ मार्क्स 73.33 हैं। तो रनिंग नहीं हो पा रही है, कारण क्या है? फिजिकल वर्कआउट नहीं होने के कारण पैर की मांसपेशियां जकड़ गई हैं, वेट उठाने में कहीं दर्द होता है, कहीं कुछ होता है, तो इस तरीके से चीजें होती। तो ये रेगुलर बेसिस पे करिए, चाहे वो रिजल्ट की बात हो अथवा ना हो। अब अगर रिजल्ट से पहले करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा है। कुछ बच्चों का होगा कि इस वीडियो के बाद भी वो मुझसे कमेंट में तमाम तरीके की बातें कहेंगे और कहेंगे तुम्हें क्या पता, मुझे पता है। ठीक, रिजल्ट के बाद आपको 24 दिसंबर को आपका रिजल्ट आएगा फाइनली, उससे पहले भी आ सकता है। और फिर आपका जो पीटी है, जैसा कि नोटिस में यहां पर आपको खुद ही दिख रहा होगा कि पीटी के लिए उन्होंने कहा है कि जनवरी 2023 से पीटी शुरू हो जाएंगे, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट शुरू हो जाएगा। अभी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है पीटी है, क्या पता आपको 1 जनवरी से शुरू हो जाए। तो 24 दिसंबर के बाद से 1 जनवरी में आपको सिर्फ 7 दिन का या 8 दिन का समय मिलेगा, बमुश्किल 1 हफ्ते का। आपको क्या लगता है कि आप अगर रिजल्ट के बाद पीटी की तैयारी शुरू करोगे तो 1 हफ्ते में आप कंफर्म कर लोगे कि 35 किलो का वजन उठा के 100 मीटर दौड़ना, वो भी निश्चित दिए गए समय में। महिलाओं को 20 किलो का वजन उठा के सेम रनिंग करनी है, वो भी दिए हुए समय में। तो अगर पहले से कर लोगे तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपका कोई नुकसान होने वाला। और मैं सभी बच्चों से कहना चाहूँगा जो कि इस कैटेगरी में है, इस दहलीज पर हैं, कि उनको इस बात का संदेह है कि रिजल्ट के बाद पीटी की तैयारी शुरू करें या पहले शुरू करें, मैं अपनी वाणी को इस बात से विराम दूंगा कि आप पीटी की तैयारी को रिजल्ट से पहले शुरू कर दीजिए। और
पीटी के विषय में कि पीटी में क्या क्या होता है, मेडिकल में पीटी में डिटेल में जानने के लिए आपको वीडियो का बटन, जो वीडियो का लिंक है वो आई बटन में भी दिया जाएगा और लास्ट में आपको एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा, क्लिक करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।